पहले टी20 मुकाबले में मिली शर्मनाक हार के बाद बीसीसीआई ने इन दो खिलाड़ियों को रातोंरात किया भारतीय टीम में शामिल। साउथ अफ्रीका के खिलाफ दूसरे मुकाबले में जीतना हुआ लगभग तय। जानेंगे पूरी खबर, चैनल को सब्सक्राइब करें। क्रिकेट से जुड़ी हर छोटी बड़ी अपडेट के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। भारत और साउथ अफ्रीका के बीच में 5 टी20 मैचों की सीरीज खेली जा रही है। पहला टी20 मुकाबला दिल्ली में खेला गया, जहां पर साउथ अफ्रीका की टीम ने भारतीय टीम को 7 विकेट से हरा दिया। आपको बता दें, भारतीय टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 211 रन बनाए थे। इस लक्ष्य को साउथ अफ्रीका की टीम ने 5 गेंदे शेष रहते ही हासिल कर लिया। पहले टी20 मुकाबले से पहले ही भारतीय टीम को 2 बड़े झटके लगे थे। केएल राहुल और कुलदीप यादव पूरी सीरीज से बाहर हो गए हैं। अब यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल ये है कि इन दोनों ही खिलाड़ियों की जगह वो कौन से खिलाड़ी हैं जो टीम इंडिया में शामिल होने वाले हैं और दूसरे टी20 मुकाबले में खेलते हुए नजर आ सकते हैं। आपको बता दें कि एल राहुल के बाहर होने के बाद बीसीसीआई संजू सैमसन को टीम इंडिया में शामिल कर सकती है। संजू सैमसन ने आईपीएल 2022 में धमाकेदार प्रदर्शन किया है और उनकी कप्तानी में राजस्थान रॉयल्स की टीम फाइनल तक भी पहुंची थी। दूसरी तरफ कुलदीप यादव के बाहर होने के बाद उनकी जगह राहुल तेवतिया भारतीय टीम में जगह बना सकते हैं। राहुल तेवतिया स्पिन गेंदबाजी के साथ साथ निचले क्रम में बतौर मैच फिनिशर भी खेल सकते हैं। अगर ये दोनों ही खिलाड़ी भारतीय टीम में शामिल होते हैं तो साउथ अफ्रीका के खिलाफ बाकी बचे हुए 4 मुकाबलों में भारतीय टीम काफी मजबूत नजर आएगी। आपके हिसाब से कौन कौन से नए चेहरों को भारतीय टीम में शामिल किया जाना चाहिए, आप अपनी राय नीचे कमेंट करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें।